अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये दराज से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की थी, 23 मार्च की सेल चल रही थी तो डायपर्स मंगवा लिए हैं। हमारा जो मेन एंट्रेंस है ना वो यहाँ से होता है, लेकिन हम लोग ड्राइंग रूम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप लोग परेशान ही होना कि ये कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं, तो ये दोनों डोर्स हम यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। घी मंगवाया था काफ़ी ज़्यादा, लाइक हमारा 6 महीने गुजर जाएंगे सुकून से। और कुछ और चीज़ें मंगवाई हैं रैंडम सी। और ये जो पार्सल हैं, एक ऑलिव ऑयल मंगवाया था मैंने, ये मॉइस्चराइज़र की जगह पे ऑयल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अगर वो फ़ायदा कम देते हैं तो नुकसान भी कम ही देते हैं। तो मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो फ़ायदा एकदम से उनका बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन एकदम से जब हम छोड़ते हैं तो स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती है। यूज़ ऑयल्स के लिए ग्लव्स मंगवाए थे, डिस्काउंट भी मिल रहे थे तो मैंने ज़्यादा मंगवा लिए। और कुछ जो है, मैं जो बेडरूम है हमारे वार्डरोब है उसको सेट करना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने कुछ बास्केट्स मंगवाई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जब मैं सेट करूँगी तो फिर मैं शेयर करूँगी। कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था, ग्रोसरी का तो कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, किचन में कुछ ना कुछ कम होते ही। एक ऑलिव ऑयल मंगवाया था स्किन के लिए, जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना मैं कम यूज़ करती हूँ, उनकी जगह पे ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। ये नेचुरल होते हैं और स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं करते, अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते तो नुकसान भी नहीं देते। और ये जो हैं कुछ महमूद के ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह रखने के लिए ना, ये मैंने मंगवाए हैं बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ये 3-4 मंगवाए थे मैंने। और बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं तो मैंने उसके लिए 1-2 बास्केट्स मंगवाई थी, मुझे वो चाहिए थी क्योंकि काफ़ी मैस हो जाता है, हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद मुझे वार्डरोब जो है ना वो दोबारा से सेट करनी पड़ती थी, सो आई थॉट के ये वाला आइडिया अच्छा रहेगा। तो ये जब मैं सेट करूँगी ना तब इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद जो है हम लोग पास्ता बना रहे थे आज, तो जो पास्ते के लिए डो है जो हम लोग बनाते हैं पास्ता, वो मैं घर पे बनाती हूँ उसका डो, तो बहुत ही ईजी होता है। उसके लिए मैदा और सूजी को और थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर लेना होता है, फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप कलर देना चाह रहे हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जब मैं घर में बनाती हूँ ना फिर मैं ऐड नहीं करती कलर, तो मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ चलो कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा, इस वजह से मैंने फूड कलर ऐड किया है, अदरवाइज़ घर पे बनाऊँ तो मैं वैसे सिंपल बना देती हूँ। और इसमें मैंने 5 अंडे पहले ऐड किए हैं और मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो मैंने 1 और एग ऐड कर दिया है, तो टोटल इसमें मैंने 6 एग्स ऐड कर दिए थे। और ये बहुत ही हमने हार्ड बनाना है और इसको हमने हल्का सा गूंदना है, ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं लगती है, बस इतना कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिक्स हो जाएँ, और जब ये मिक्स हो जाएंगी ना फिर हम लोगों ने इसको किसी भी जिप लॉक बैग में रख के तो इसको फ्रिज में 1/2 घंटे से 1 घंटे तक रेस्ट ज़रूर देना है, उतनी देर में ये नरम हो जाएगा। ये हमने फुल हार्ड बनाना है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये नरम होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है चिकन के लिए मैंने इसे वेजिटेबल्स काट ली थी, और हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है और उसमें जो है ये 300-400 ग्राम के करीब जो था ना ब्रेस्ट पीस था उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, इसको हमने थोड़ा सा कलर दे देना है, जब ये वाइट कलर में आ जाएगा तो फिर हमने इसमें जिंजर पेस्ट ऐड कर देना है। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड कर दी है, मैंने प्याज और कैप्सिकम लिया, और यहाँ पे जो है मैंने टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून ही शायद मैंने केचप ऐड की थी। तो ये जो है ना चीज़ों की क्वांटिटी वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और साथ ही हमने चिली सॉस भी ऐड कर देना है, ब्लैक पेपर जाएगी इसमें, पेपरिका जाएगा, नमक जाएगा, और इसमें ऑरगैनो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था। इन सबको मिक्स करके हमने साइड पे रख देना है और हमने सॉस रेडी कर देना है, उसके लिए हमने ऑयल गरम करना है और उसमें मैंने मैदा डाला है और इसको हमने मिक्स करते जाना है, जब ये हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। फिर हमने इसमें दूध ऐड कर देना है और साथ ही हमने चीज़ ऐड कर देनी है, तो यहाँ पे मैं चैटर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, चीज़ जो है वो उसकी क्वांटिटी सेम नहीं होती है, वो आपने जितना आपने क्रीमी बनाना हो उतनी आपने ऐड करनी होती है। तो इस तरह का इसको हमने गाढ़ा रखना है काफ़ी, क्योंकि हम लोग पास्ता बना रहे हैं, लाइक कुछ चीज़ों में ये थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी में जाता है, कुछ में ये थोड़ा सा थिक जाता है। तो अब इन दोनों को हमने मिक्स कर देना, इसको हमने अभी साइड पर रख देना है क्योंकि हमने अभी पास्ता बनाना। तो डो जो था उस वो तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट दी थी मैंने, और उसके बाद जो है वो नरम हो गया था।
मैंने 1/3 पार्ट लिया था और इसमें से भी काफ़ी फिर बच गया था, वो भी मैंने इसमें वापस रख दिया था। तो इसको हम 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने जो ऊपर फ्रीज़र होता है ना, उसके ऊपर वाले पोर्शन होता है उसमें रखना होता है कि फ्रीज़ ना हो, लेकिन ये फुल ठंडा रहे, क्योंकि इसमें एग्स हैं तो फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 से 4 दिन चल जाता है अगर आप बना के रख लें। तो इसको हमने रोटी की तरह जैसे बेलते हैं वैसे हमने बेल लेना है, और कोई भी शेप दे देनी है, जितना आपने पतला रखना है उतना आपने बेल लेना है। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। और यहाँ पे जो है ना डस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, आपने मैदा यूज़ नहीं करना, कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक लीफ था, छोटे सी शेप्स वगैरह पड़ी होती है ना, तो उसमें की शेप्स दे लूँगी और ये बना लूँगी। बहुत ही आसान है घर पे बनाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इजी है और ये हेल्दी बनता है। बच्चों को आप बेफिक्र होकर ये दे सकते हैं। बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पानी लिया है, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और ऑयल ऐड कर दिया है, और ये रहा हमारा पास्ता। ये बड़ा इसकी कोई बॉइलिंग की टाइमिंग नहीं होती है, जैसे ये फ्लोट करने लगेगा तो हमने इसको निकाल देना है। अगर निकाल के रखना है तो आप इसको ठंडे पानी से थोड़ा सा वॉश कर लें ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो। अदरवाइज़ जो है मैंने यहाँ से निकाल के तो डायरेक्ट चिकन में डाल दिया था, और इसको जस्ट मैंने मिक्स किया है हल्की सी आँच पर, और फिर हमने जो है बेकिंग ट्रे में डाल के ऊपर चीज़ लगा देनी है। मैंने ऊपर मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी, लगा के तो हमने इसको बेक कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बेक करना है, वो उसको प्री हीटेड ओवन में रखना है, ठीक है, 150 डिग्री पे। तो ये आपने ट्राई ज़रूर करना है, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, होममेड है एवरीथिंग, इवन के जो टमाटो केचप थी, पास्ता, इच एंड एवरीथिंग, जिस चीज़ हमने बाय की थी और एक दो सॉसेस, इतना तो चलता है। तो ये इतना मज़े का बनता है और बिल्कुल लाइट वेट होता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता। ये बड़ों के लिए यू नो ये ऑल इन वन डिश है, इसमें सारा कुछ होता है, वेजिटेबल्स भी होती हैं, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं, तो इसके साथ और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जब मैंने पिछले वीडियो में शॉपिंग शेयर की थी तो तब मैं ये अरक लेके आई थी, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मैंने ये लगाया नहीं, उसको मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितना लगाते हैं। मैंने ऐसे नेल्स भर लिए थे, आई थॉट कि ये यहीं पे रहेगा, लेकिन ये सारा साइड्स पे फैल गया था, उंगलियाँ भी गंदी हो गई। और जब मैंने इसका उतारा, इसका कलर ये बिल्कुल येलो था, और मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो कलर ही नहीं आया, इतना गंदा कलर आया। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर डार्क हो गया था। गाया जहाँ अभी सोया हुआ था, सो आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है, मैं कुछ कर लेती हूँ। तो आई थॉट कि ये 5 से 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसको 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी शायद, इस वजह से थोड़े मौसम भी नमी वाला होता है ना, फिर हर चीज़ में नमी आ जाती है, नेल्स भी नहीं ड्राई हो रहे। तो फिर मैंने इसको इजहान भी उठ गया था और बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो हल्का हल्का गीला था, मैंने वैसे उतार दिया था। तो फिर रात को मैंने सोने से पहले दोबारा से लगाया था, तब काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। और ये भी आहिस्ता शाम तक काफ़ी डार्क हो गया था, अभी ये येलो लग रहा है।
और बाहर जो है बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था। पहले हल्की सी गर्मी शुरू हुई है, फिर उसके बाद बारिश हुई है, फिर से ठंड शुरू हो गई है। तो चलो अच्छा है, रोज़े जो है वो आराम से गुजर जाएंगे। ये रमज़ान से जो है ना पहले की वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, तो मेरा गला काफ़ी ख़राब था, वॉइस ओवर की वजह से वीडियो वैसे ही रह गई थी। तो रमज़ान के भी मैंने कोई भी नई वीडियो अपलोड की, इवन रिकॉर्ड ही नहीं की। That's it for today's video. Hope you guys like it. If you guys like this video, then please do subscribe to my channel. And video अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना and नीचे कमेंट्स भी करने हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और खुश रहें।